नमस्कार, करनॉमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। डेली करंट अफेयर सीरीज का 31st पार्ट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे कि आप डेली करंट अफेयर सीरीज को रेगुलर रखिए और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाने वाले MCQs को भी रेगुलर रखिए। देखिए, यहां पर हमने छोटा सा एक मॉडिफिकेशन किया है कि हम मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके लिए रेगुलरली डेली करंट अफेयर सीरीज को लेकर आएंगे। इसके साथ साथ हम संडे का ऑफ किया करेंगे। तो आई होप कि आप मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारी इस सीरीज को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो यहाँ पर प्रोवाइड कराया हुआ है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं आज के मुख्य बिंदुओं के बारे में। हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे आज के क्वेश्चन से, उसके बाद हम बात करेंगे धाराचूला लिपुलेख मार्ग के बारे में या कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा मार्ग के बारे में। ये अभी चर्चा में है क्योंकि इसका उद्घाटन किया गया रक्षा मंत्री जी के द्वारा और नेपाल के द्वारा भी इसमें आपत्ति जताई गई है। तो ये क्यों चर्चा में, इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप के बारे में, क्योंकि इसमें अभी कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं, कुछ संशोधन हुए हैं, तो वो संशोधन क्या है उनको हम देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी स्कीम के बारे में कि लॉकडाउन के दौरान ये स्कीम कितनी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, चूंकि ये स्कीम 1 जून 2020 से पूरे देश में लागू होने वाली है, तो ये क्या है उसको भी डिटेल में देखेंगे। इसके बाद भारत के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती जो मनाई गई 9 मई को, तो किस किसके द्वारा मनाई गई और क्या इसमें डिटेल हो सकती है उनको भी हम डिटेल में देखेंगे। आइए अब हम बात करते हैं आज के अपने क्वेश्चन के बारे में। आज का हमारा क्वेश्चन है कश्मीरी केसर को लेकर। आपको बताना है कि कश्मीरी केसर के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं, जैसे कि पहला कथन दिया गया है इसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। कथन दूसरा दिया गया है कि यह गहरा लाल रंग का कश्मीरी केसर एवं स्वाद में मीठा होता है। कथन तीसरा दिया हुआ है कि दुनिया में सर्वाधिक केसर भारत में पैदा होता है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। दोबारा से आप देखिए कि इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है, असत्य है। ऑप्शन ए दे रखा है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दिया हुआ है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी दिया हुआ है पहला और तीसरा, ऑप्शन डी दिया हुआ है सभी गलत हैं। तो अगेन आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराने हैं। हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेरित और मोटिवेटेड होते हैं जब आप हमारे क्वेश्चंस का आंसर YouTube के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराने हैं। यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं जिनके बारे में बताना चाहूँगी, जैसे पारुल जी ने, माया शंकर जी ने, बहुत सारे बच्चों ने, रिंकी जी ने, बहुत सारे बच्चों ने जो है वो सही जवाब हमारे पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के दिए हैं। हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया हुआ था कि इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2015 को हुई है, दूसरा कथन दिया हुआ था, तीसरा कथन। थोड़ा सा हम देखते हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण होता क्या है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत जो है इसे स्थापित किया गया था, यानी इसको स्थापित किया गया था 18 अक्टूबर 2010 में। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और त्वरित निपटान करना। त्वरित निपटान से मतलब है कि मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर जो है इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड जितने भी जो मुद्दे होते हैं, मामले होते हैं, उनका निपटारा जो है वो NGT के द्वारा किया जाता है। और इसने बहुत सारे जो हैं वो हिस्टोरिकल जजमेंट दिए हैं जिनका प्रभाव हमें वर्तमान में दिखाई देता है। यदि हम NGT की बात करें तो पर्यावरण न्यायाधिकरण जो ये बना है भारत में, इसकी स्थापना के बाद जो है ये भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया। यानी इस तरीके का जो ट्रिब्यूनल है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है, उसके बाद भारत जो है दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहाँ पर NGT की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर यदि हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं तो यहाँ पर पहला जो कथन है कि इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2015 को हुई, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को ही, ना कि 2015 को। दूसरा सही है कथन और तीसरा कथन भी सही है, क्योंकि इसे हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिया है कि वे वाणिज्यिक गतिविधियों और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जो इलीगल रूप से ग्राउंड वाटर निकालने पर जो इसने रोक लगाने के लिए कहा है दिल्ली जल बोर्ड को, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ऑप्शन बी जो है, यानी दूसरा और तीसरा कथन एकदम सही है। आइए अब हम बात करते हैं आज की अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो है कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट को लेकर। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इसको बनाया है उत्तराखंड में BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सीमा सड़क संगठन के द्वारा। इसके अंतर्गत यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट के अंतर्गत धारचूला लिपुलेख मार्ग का निर्माण किया गया है। इसे होगा क्या, इसे ये होगा कि अब यात्रा में कम समय लगेगा, यानी पहले जो 3 वीक्स लग जाया करते थे यात्रा में, वो अब मात्र 1 वीक में जो है इस यात्रा को पूरा किया जा सकेगा। इसके अंतर्गत 80 किलोमीटर की रोड बनाई गई है और कहा जाता है कि इसका जो विस्तार है वो 6000 से लेकर लगभग 17060 फीट की ऊंचाई पर है। यानी इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर जो है ये मार्ग जो है बनाया गया, यानी ये सड़क जो है बनाई गई है। ये जो नई सड़क है ये पिथौरागढ़ तबाघाट घटी अबागढ़ मार्ग का विस्तार है और कहा गया है कि इसे अब कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट के नाम से जाना जाएगा। तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट किस किस को या कहाँ किस किस की सड़क को जोड़ता है,
किस मार्ग का विस्तार है, तो हमें पता होना चाहिए पिथौरागढ़ तबागढ़ अदि अबागढ़ मार्ग पर इसका विस्तार है, प्लस इसकी ऊंचाई के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगी, कितने किलोमीटर का इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें इसके बारे में पूरा डिटेल है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में बनाया गया है, हो सकता है आपसे उत्तर प्रदेश पूछ लिया जाए कि जो ऑप्शन उत्तर प्रदेश दे दिया जाए, तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ये उत्तराखंड में है। और इसको जो है वो चाइना स्टडी ग्रुप निर्देशों के अनुसार इसका जो है वो निर्माण किया गया है। इसके बाद यदि हम बात करें कि ये चर्चा में क्यों है, एक तो इसका इनॉग्रेशन हुआ है इसलिए भी चर्चा में, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि नेपाल ने इसके लिए आपत्ति दर्ज कराई है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि भारत ने जिस लिंक रूट का उद्घाटन किया है वो नेपाल से होकर गुजरता है, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। नेपाल कहता है कि सुगौली समझौते जो कि 1816 में भारत और नेपाल की सीमा को लेकर हुआ था, उसके तहत काली नदी के जो पूर्व का इलाका है जैसे कि लिम्पियादुरा, कालापानी और लिपुलेख, वो नेपाल के हिस्से हैं, बल्कि भारत ऐसा कहता है कि भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, भारत ने ये जो सड़क बनाई है वो बिल्कुल जो है भारत की सीमा के अंतर्गत बनाई है और किसी भी समझौते का उल्लंघन नहीं किया है। देखिए कैलाश पर्वत इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए, हालांकि जब हम कैलाश पर्वत की बात करते हैं तो कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है और इसके पश्चिम दक्षिण में मानसरोवर और राक्षसताल झील है और यहाँ से होकर बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र हुई, सिंधु हुई, सतलज हुई, और कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की जो सीमा है वो उत्तराखंड की सीमा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, उससे भी कम जो है इसकी दूरी है कैलाश पर्वत की उत्तराखंड से, और ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्मों के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। हिंदू धर्म में तो ये भी कहा जाता है कि हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास स्थान ही कैलाश पर्वत है और पृथ्वी का केंद्र या स्वर का रास्ता जो है वो कैलाश पर्वत से होकर गुजरता है। इसी के साथ साथ यदि हम लिपुलेख दर्रा की बात करते हैं तो ये जो है वो लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर है और ये भारत चीन नेपाल के ट्राई जंक्शन पर है, यानी जहाँ पर भारत चीन नेपाल की सीमाएं मिलती हैं वहाँ पर ये लिपुलेख दर्रा मौजूद है, पासवे है, और ये उत्तराखंड में स्थित है और ये काला पानी के समीप हिमालय में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, है ना, पहाड़ पर पासवे है, एक रास्ता है एक से दूसरे स्थान जाने का। भारत से कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने वाले यात्री इस दर्रे का इस्तेमाल करते हैं। काला पानी की यदि हम बात करते हैं, काला पानी 372 किलोमीटर का एक क्षेत्र है और इस पर चीन नेपाल भारत की सीमा मिलती है। भारत इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानता है जबकि नेपाल कहता है कि ये हमारा हिस्सा है और इसे अपने नक्शे में दिखाया जाता है। चलिए हम थोड़ा सा नक्शे में बात कर लेते हैं कि ये कौन सा मार्ग बनाया गया है, ये लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, जिससे कि हमें समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। देखिए यदि हम भारत के मैप की बात करते हैं तो भारत के मैप में देखिए ये पूरा मैप यहाँ पर आपको दिया हुआ है जिसमें ये वाला जो एरिया है इसमें ये नेपाल है, इधर ये भारत है और ये जो है वो चाइना है और इधर तिब्बत है जो कि अब चाइना के पास है। तो पूरा जब हम देखते हैं तो ये इंडिया से लेकर ये धारचूला है और यहाँ पर ये कैलाश मानसरोवर है, तो यहाँ पर होकर ये जो रास्ता है वो लगभग बनाया गया है। देखिए तो ये नेपाल की सीमा को बिल्कुल भी जो है वो सीमा पर है, पर नेपाल जो है इस पर अपनी गलत आपत्ति यहाँ पर दर्ज किया हुआ है। एक्चुअली पहले होता ये था कि पहला जब कैलाश और मानसरोवर के लिए जब जाया जाता था तो ये वाला रास्ता जो है वो अख्तियार किया जाता था जो कि नाथुला दर्रे से होकर जाया जाता था जो कि काफ़ी समय ले लेता था। अब जो है इसको उत्तराखंड से होकर, ये उत्तराखंड है हमारा, तो उत्तराखंड से होकर जो इस पासवे को, इस सड़क को जो है वो बनाया गया और अब काफ़ी जो है ईजी हो गया है मानसरोवर तक जाने का रास्ता। इसको और हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको और डिटेल में बताया गया है, देखिए ये लिपुलेख पास है जिसे हम लिपुलेख दर्रा कहते हैं और ये धारचूला तबाघाट यहाँ से होकर जो है ये सड़क बनाई गई है, ये राक्षसताल है और ये मानसरोवर लेक है और ये यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर ये नेपाल है, ये उत्तराखंड है, ये इंडिया है। तो यहाँ पर होकर ये रास्ता बना है बिल्कुल बॉर्डर पर और ये बिल्कुल जो है वो नेपाल की जो आपत्ति है उसके उसको ये जो है वो नेपाल की आपत्ति को गलत साबित करता है। देखिए अब हम जैसे ही आगे आते हैं और हम इसको और डिटेल में देखना चाहें तो और भी हम देख सकते हैं और भी यहाँ पर क्लियरली जो है आपको समझ में आएगा, समझ पाएंगे कि ये रहा पिथौरागढ़, धारचूला, घाटग्रह, गंजी, लिपुलेख और यहाँ पर ये मानसरोवर। तो यहाँ पर ये जो रास्ता है यहाँ पर हमें अभी बनाया गया है। आई होप कि अब आपको बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा कि ये रास्ता क्या है और इसमें से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप डिटेल में इनको आराम से कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप को लेकर है, यानी प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप को लेकर है। ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि 7 मई 2020 को संशोधन इसमें किया गया है और संशोधन किया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। इन संशोधनों को करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश में अनुसंधान यानी रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए और योजना के तहत अधिक से अधिक छात्रों को लाभ मिल सके, फेलोशिप मिल सके। इसमें जो प्रमुख संशोधन हुए हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो PMRF है उसमें क्या मुख्य संशोधन हुए हैं, वो हुए हैं कि 750 के स्थान पर न्यूनतम गेट स्कोर घटाकर 650 कर दिया गया है और CGPA जो है वो 8 कर दिया गया है। यदि हम देखिए गेट की बात करते हैं, देखिए तो गेट होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग और CGPA होता है कम्युनिकेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो इन दोनों में जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। यानी यदि आपका गेट स्कोर पहले 750 लिया जाता था, 650 भी है तो भी आप इस फेलोशिप को लेने के हकदार हो सकते हैं। इसके साथ साथ अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और नवाचार प्रभाग यानी कि रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीजन भी इज बीइंग क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री टू बूस्ट रिसर्च, यानी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इसके अंतर्गत रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीजन भी बनाई जा रही है।
यदि हम आगे देखते हैं तो हम देखते हैं एक और संशोधन जो इम्पोर्टेंट है वो हुआ है, वो ये है कि जितनी भी NIRF रैंकिंग की जब हम बात करते हैं, यदि कोई भी NIT टॉप 25 NIRF रैंकिंग में आती है तो वो PMRF के अंतर्गत जो है वो ग्रांट प्रोवाइड करा सकती हैं स्टूडेंट्स को। तो ये कुछ मुख्य संशोधन हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप के अंतर्गत किए गए हैं। तो आपने देखा इसमें क्या किया गया है, पहला गेट के स्कोर को कम किया गया है, दूसरा इसके अंतर्गत रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीजन बनाई जाएगी, इसके साथ साथ NIT को शामिल किया गया टॉप 25 ओवरऑल जिनकी रैंकिंग होगी, ऐसे NITs जो हैं वो भी अपने स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर इस फेलोशिप को देने के लिए हकदार हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि PMRF है क्या। देखो ये जो PMRF है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप जो है, इसकी घोषणा 2018-19 के बजट में हुई थी और ये जो फेलोशिप लाई गई थी इसका उद्देश्य यही था कि देश में जितनी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर रिसर्च को बढ़ावा मिले और रिसर्च जो है क्वालिटेटिव रिसर्च हो पाए। रिसर्च तो हो रही थी लेकिन वो क्वालिटेटिव हो, इसके लिए बहुत सारे जो है वो प्रयोग किए जा रहे हैं, इसी के लिए जो ये फेलोशिप प्रोग्राम चलाया गया। देखिए रिसर्च का क्वालिटेटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि किसी भी देश के अंतर्गत रिसर्च जो है वहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ की हाई जो एजुकेशन सेक्टर है उसको बताती है, और इसके साथ साथ जो है वो कोई भी देश कितना तरक्की कर सकता है वहाँ का और क्या और भी जो है वो कितना आगे बढ़ सकता है, ये जो अनुसंधान है वो उसमें जो है बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। इसमें कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए गए थे कि जो PMRF है वो किस किस कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसमें कहा गया था कि जितने भी IITs जो हैं उनके स्टूडेंट्स को PMRF के अंतर्गत जो है ग्रांट मिल सकती है, कुछ IAS है ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों को, और कुछ NITs जो है NITs को लेकर जैसे कि यहाँ पर चेंज हुआ है वो जो है अपने स्टूडेंट्स को PMRF के अंतर्गत ग्रांट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उनका जो पूरा एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स का चयन किया जाता है और उन्हें फेलोशिप जो है प्रदान की जाती है। देखिए अब हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ है हमारी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी स्कीम को लेकर। देखिए जैसे कि हमने मोबाइल कार्ड पोर्टेबिलिटी सुनी होगी, यानी यदि हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं, अभी हम राजस्थान में रह रहे हैं, हमें दिल्ली जाना है, तो क्या होगा कि हमें पहले अपनी सिम चेंज करनी पड़ती थी, दूसरा नंबर लेना पड़ता था, लेकिन जैसे ही नेटवर्क पोर्टेबिलिटी आई तो हमारा नंबर वही रहता है चाहे हम राजस्थान के बाद दिल्ली UPSC की तैयारी करने चले जाएं। तो उससे हमें बहुत सारी सुविधाएं जो है प्राप्त हो जाती थी, हमें नंबर चेंज करने के दौरान जो जितनी भी सारी समस्याएं आती थी तो वो अब समस्या क्योंकि हमने फॉर्म में जो अपने पुराने नंबर दिए हुए होते थे तो कहीं भी कोई भी जो मैसेज हमें आना होता था तो पुराने तो हमें दोनों सिम चालू रखनी पड़ती थी, लेकिन अभी जब से नेटवर्क पोर्टेबिलिटी आया है ये सारी समस्याएं हैं वो दूर हो गई हैं। नेटवर्क भी जो है आप चेंज करवा सकते हैं किसी भी स्टेट में आ गए तो उस तरीके की समस्या आपको नहीं रहती। इसी तरीके से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी स्कीम भी है, यानी यदि आपका राशन कार्ड राजस्थान का है और आप दिल्ली चले गए हैं तो उस राशन कार्ड के अंतर्गत जो सुविधा आपको मिलनी चाहिए वो दिल्ली में आपको पहले नहीं मिल पाती थी, लेकिन इस स्कीम के तहत अब वो सुविधा आपको मिल पाएगी। वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा जो है वो प्रशंसित है या इसका बहुत ज़्यादा एडमायर किया जा रहा है क्योंकि COVID-19 लॉकडाउन के दौरान जो भी हताश प्रवासी हैं उनके लिए एक जीवन रेखा के रूप में काम करेगी, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी जो बिहार के हैं, जो UP के हैं, साउथ में जाके काम करें तो वो उनके राशन कार्ड का उपयोग वो नहीं कर पाते थे, तो अब यहाँ पर जो है वो अपने राशन कार्ड से कहीं भी जो एसेंशियल जो चीज़ें हैं जो कि जन वितरण प्रणाली के तहत प्रदान की जाती हैं उनका वो जो है ये लाभ उठा सकते हैं। इसको एक राशन एक कार्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदुओं का उपयोग करके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जो बिना है कहा जाता है कि उसके बिना जो है ये राशन कार्ड यूज़ नहीं हो सकता, यानी आप यदि हम बात करें तो ये जो है वो कुड नॉट वर्क विदाउट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूजिंग इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ स्केल यानी POS मशीन में आपको जो अपना बायोमेट्रिक देना पड़ेगा तभी आप जो है ये कार्ड जो है वो उपयोग हो पाएगा। तो इससे भ्रष्टाचार पे भी काफ़ी हद तक लगान लगेगी। हालांकि COVID-19 के दौरान जो है कई राज्य इसमें छूट प्रदान कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि लगभग 60 करोड़ लोग जो हैं अब तक जो है इसके अंतर्गत संभावित जो है वो कवर हो चुके हैं जिनको इस चीज़ का फायदा मिल रहा है। हालांकि ये जो आंकड़ा है वो काफ़ी कम है, उसको बढ़ाए जाने की जो है आवश्यकता है। तो राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी स्कीम जो है वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये स्कीम जो है वो शुरू कब हुई थी। देखिए ये स्कीम जो है 1 जून 2020 से पूरे देश में लागू हो जाएगी और इसे केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जो है वो शुरू किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले जो लाभार्थी हैं वो देश के किसी भी भाग में खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे और सार्वजनिक वितरण की किसी भी दुकान से अनाज प्राप्त कर सकेंगे। तो मजदूरों के लिए ये स्कीम वरदान साबित हो रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जो है सभी को इलाज अनाज जो है वो मिलेगा और ये कई राज्यों में लागू की जा चुकी है और चूंकि ज़्यादा दिन नहीं है तो 1 जून से सभी राज्यों में लागू होने की संभावनाएं हो जाएगी। तो ये स्कीम जो है अभी वरदान की तरह काम करेगी भारत के लिए। तो इसमें से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो यही आ सकता है कि पूरे देश में ये स्कीम कब लागू हुई या इसके तहत जो है वो किस किस को लाभ प्राप्त होगा और ये जो है वर्तमान में इतनी ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण क्यों हो गई है या फिर इसमें जो मतलब अनाज प्राप्त होगा वो किसके थ्रू प्राप्त होगा तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू प्राप्त होगा, POS मशीन के थ्रू प्राप्त होगा। तो इससे क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगा, बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लग सकेगा, लेकिन जिन राज्यों में POS मशीन से या इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ स्केल जो मशीन है
बायोमेट्रिक को खत्म कर दिया है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को, वहाँ पर काफ़ी सारे भ्रष्टाचार की जो है वो संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। तो सरकार को चूंकि अभी लॉकडाउन का समय है तो इसको कंटिन्यू जो है काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट रख सकती है, लेकिन बाद में जब ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू जब ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगी तब ये भ्रष्टाचार पर बहुत ज़्यादा लगाम लगाने में जो है वो कारगर साबित होगी। आइए अब हम बात करते हैं अपनी अगली टॉपिक के ऊपर। जो अगला जो हमारी न्यूज़ है वो भारत के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को लेकर है। उनकी 475वीं जो जयंती है वो मनाई गई 9 मई को। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में बादल महल में। तो कई बार क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है। देखिए ये जो टॉपिक है काफ़ी विस्तृत है और इसमें से लेकर क्वेश्चन आने की संभावना लगभग राजस्थान के सभी एग्जाम में बनती है। अब ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा संदेश दिया गया महाराणा प्रताप जयंती पर। इसके अलावा देश के और राज्य के काफ़ी सारे प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा जो है महाराणा प्रताप जयंती को मनाया गया, संदेश दिया गया। तो इसीलिए हम यहाँ पर छोटी छोटी जो जानकारी है वो एक झलक जो है यहाँ पर देख रहे हैं। महाराणा प्रताप जी का जो बचपन का नाम था कीका था। कीका जो है वो आदिवासियों के बच्चों को अभी भी कीका बोला जाता है प्यार से। तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम भी कीका था। तो क्वेश्चन आया भी हुआ है आपका कि महाराणा प्रताप जी के बचपन का नाम क्या था। इसके साथ साथ ये मेवाड़ के शासक थे और इनका जो कार्यकाल था वो 1572 से लेकर 1597 तक था। इनके पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंताबाई, पत्नी का नाम अजबे पवार, उनके पुत्र जो थे वो अमर सिंह प्रथम थे, उनके घोड़े का नाम चेतक था। कई बार क्वेश्चन इसको लेकर भी आया है। इनके दो राज्याभिषेक हुए थे, पहला गोगुंदा में हुआ था और दूसरा कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, जो कि पूरे सम्मान के साथ और कहते हैं कि पूरे जो है वो अपने सम्मान के साथ किया गया था। इनका जो है हल्दीघाटी का युद्ध जो इनके द्वारा लड़ा गया वो इतिहास का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध कहलाता है। हालांकि ये इस युद्ध का जो निर्णय था या युद्ध जो था वो अनिर्णित था। इसमें जो है मुगल शासक अकबर के जो है उनकी अधीनता महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं की थी। इसीलिए जो है जब ऐसे समय में जब राजपूत शासक, लगभग सभी राजपूत शासक जो है नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, उनमें से महाराणा प्रताप ऐसे जो है वो राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया ताउम्र। और अकबर के द्वारा काफ़ी सारे राजदूत भेजे गए अकबर के साथ संधि करने के लिए, लेकिन उन्होंने किसी के साथ, टोडरमल तक भेजे गए तो उन्होंने किसी के साथ जो है वो संधि नहीं की और अकबर से संधि करने की बात जो है उन्होंने नहीं मानी। इसीलिए जो है इसको बहुत ही ज़्यादा महाराणा प्रताप जी को जो है वो भारत के लिए, भारत का जो वीर शिरोमणि राजा कहा जाता है। अगेन हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगा होगा। और हम जितने भी राजपूत शासक हैं उनकी एक अलग से वीडियो लेक्चर्स हम लेके आएंगे जिनमें हम डिटेल में जो है राजपूत शासकों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एक झलक के रूप में हमने यहाँ पर देखा। अब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।